हेलो एवरीवन, आप लोगों ने देखा RRBPO मेंस का एग्ज़ाम अभी अभी हुआ और उसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन टफ देखने के लिए मिला। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो था उसमें क्वेश्चंस जो थे वो अनएक्सपेक्टेड देखने के लिए मिले। जिस तरीके से तैयारी की गई उस तरीके से क्वेश्चन पेपर देखने के लिए नहीं मिला, और इस तरीके के क्वेश्चन थे कि मीम्स तक गए उसमें बन गए, मीम्स तक फेमस हुए हैं कि जनरल अवेयरनेस अनएक्सपेक्टेड था। तो आप लोगों के सामने अभी SBI क्लर्क मेंस है, और SBI क्लर्क मेंस में आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, उसके लिए बेस्ट मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ स्क्रीन पर टॉप 300 प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। आपको पता है करंट अफेयर्स में, आप बैंक के करंट अफेयर्स की अगर पर्टिकुलर बात कर ले, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो ये मुझे बेस्ट लगा और बेस्ट टाइम है इस टाइम पर। लास्ट जो टॉप 300 क्वेश्चंस होते हैं या टॉप आपके जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट के डेज में पढ़ना, बिकॉज ओवरऑल जो हमारी प्रिपरेशन होती है कहीं ना कहीं अगर आप उसको प्रैक्टिस में आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं उसे आप पढ़ लेते हो तो उससे बहुत हेल्प होती है रियल एग्जाम में। इवन ये सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, काफ़ी बेस्ट सोर्स लगता है गाइज मुझे भी। आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ इसके क्वेश्चन क्वालिटी, क्वेश्चंस कैसे हैं। लाइक अब फर्स्ट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, बात हुई है CBDT पर, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स पर। अब इन्होंने क्या बोला है कि CBDT के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन पर बात हो गई। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ अच्छे से इससे तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, लाइक CBDT के चेयरमैन। और यहाँ इन्होंने करेक्ट आंसर भी बताया है ऑप्शन बी, लाइक JB मोहपात्रा, ठीक है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा काम करना है तो आप कैसे करेंगे, CBDT के आपने क्या याद कर लिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली आपको पता होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है आपको पता होना चाहिए, 1860 है। तो इससे आपका क्या होगा, क्योंकि हो तो ये तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक के ऊपर गाइस बात हुई है, वर्ल्ड बैंक पर जो यहां पर टॉप 300 क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करने ही करने हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या पढ़ लेना है जो आपको बनाता है कि टॉपर आप रहेंगे एग्जाम में, वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी बनाती है। लाइक हेडक्वार्टर हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया, आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए Washington DC US में है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए 1944 है, प्रेसिडेंट पूछ लेता है आपसे, MD पूछ लेता है, तो आपको नॉलेज होने चाहिए। मैं बात कर लेती हूँ कि ये आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो गाइज बिल्कुल फ्री ईबुक है आपकी, सभी बच्चे इसको ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं प्रेफर करते हैं। आप लोग बिल्कुल आराम से जाके ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट से इसको बिल्कुल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप लोग चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं गाइज, दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत है। और मैं डेफिनेटली आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, बिकॉज ये टाइम बहुत प्रीशियस टाइम है आप लोगों के लिए तैयारी के लिए। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये PDF और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं इसमें कितने हैं, क्योंकि टॉप 300 प्लस क्वेश्चंस आई थिंक इन्होंने लिखा है, और एक बार हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारे लिए 300 क्वेश्चंस कितनी हेल्प करने वाले हैं। तो यस, मैं आप लोगों को दिखाती हूं। ओके गाइज, इसमें जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं वो आपके 309 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक बहुत अच्छे से बनाया हुआ ये PDF रहता है, तो काफी ठीक क्वालिटी होगी, आप पढ़िए इसको एग्जाम में। लास्ट टाइम पे ऐसे कुछ PDFs पढ़े हुए गाइस बहुत हेल्प करते हैं और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में। तो आपको एक एक मार्क्स बहुत जरूरी होता है, और RRBPO से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि जितना हमें पढ़ने के लिए मटेरियल मिल जाए उतना हमें पढ़ लेना चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया, इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए गाइज, और चैनल पर नए हैं तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल से आपको आपका ड्रीम जॉब हासिल करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।